Sairam children, how are you all? I hope that you all are fine and healthy at your home and you are doing your study well at your home. So children, today we are going to continue our chapter 5, Bahadur Bitto in Hindi. इस चैप्टर में हमने रीडिंग करी थी और अब हम एक बार क्विक रिवीजन करेंगे. इस चैप्टर की रीडिंग में हमने क्या पढ़ा था? तो बच्चों, इसमें हमने पढ़ा था एक किसान था जो अपने खेत में काम कर रहा होता है और वहाँ पे एक शेर आता है और वो उसे कहता है कि तू अपना बैल मुझे दे दे खाने के लिए. तो किसान क्या कहता है, रुको मैं घर जाकर अपनी गायें ले आता हूँ. और फिर किसान जब घर जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताता है तो उसकी बीवी कहती है, अगर आप गायें भी दे दोगे तो हमारे बच्चे रोटी किससे खाएंगे? दूध दही पनीर, इसी से ही तो हमारा गुजारा होता है. तो फिर वो बहुत गुस्सा करने लगती है, उसकी बीवी जो इसका नाम बित्तो होता है. वो कहती है, रुको आप शेर के पास जाओ और कहो कि हमारी गायें तो बहुत मरियल सी है, उससे आपका क्या होगा, ना तो आपकी भूख मिट पाएगी ना कुछ हो पाएगा. अगर बैल खा लेता है, उसने कहा, तो हम भूखे मर जाएंगे और गायें हमारी ऐसी है मरियल सी जिससे आपको भूख भी नहीं मिटेगी. तो फिर बित्तो एक तरकीब लगाती है, उसने कहा, तू फौरन खेत में जाकर शेर से कहे मेरी बित्तो तुम्हारे खाने के लिए घोड़ा लेकर आ रही है. अब वो किसान को भेजती है और कहती है, शेर को बोलो कि तू हमारी जो मेरी जो बीवी है बित्तो वो आपके लिए घोड़ा लेकर आ रही है. किसान डरता डरता जाता है शेर के पास. शेर राजा, हमारी गायें तो बड़ी मरियल सी है, उससे तुम्हारा क्या बनेगा? मेरी बीवी अभी तुम्हारे लिए एक मोटा ताज़ा तगड़ा घोड़ा लेकर आ रही है. अब इतने में क्या होता है, इतने में बित्तो आती है, बित्तो पगड़ बांधती है, ओके, और वो घोड़े पे सवार होती है और एक वो खुरपी सी लेती है और वो ज़ोर से चिल्लाई, अरे किसान तू तो कहता था. अब वो आई, उसने तरकीब सूझी, वो एकदम आती है और वो क्या कहती है एकदम से, मतलब वो ऐसा होलिया चेंज करके आती है कि वो एक खुखार सी डायन लगे. तो कहता है, अरे किसान तूने तो कहा था 4 शेर लाऊंगा, ये तो एक शेर ही तूने फांस रखा है, यह तो सिर्फ एक ही बाकी है, इससे क्या होगा, इससे तो मेरा नाश्ता ही हो पाएगा. तो फिर इतना सुनने के बाद शेर डर के मारे कांपने लगता है और भाग खड़ा होता है. यह देखकर बित्तो बोली, देखो इसे कहते हैं हिम्मत, तुम तो इतने डरपोक हो कि घर की गायें शेर के हवाले करने चले थे. अब उधर मारे भूख के शेर की आंतें छटपटाने लगती हैं. तो वो क्या करता है, वो बोलता है, आज मुश्किल से जान बची. तो अब वहाँ से कौन गुज़र रही होती है, लोमड़ी भेड़िया गुज़र रहा होता है वहाँ से. वो पूछता है, अरे क्या हुआ शेर राजा, आप इतने उदास क्यों हो? तो शेर कहता है, एक राक्षसी आई थी घोड़े पे और वो तो पूरे दिन में 4 शेर खा जाती है, नाश्ते में तो उसका एक शेर से ही गुजारा होता है. तो वो कहता है, वो हंसने लगता है जो भेड़िया होता है. वो कहता है, मैं झाड़ियों में छिपकर सब चीज़ देख रहा था, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसान की बीवी है जिसे आप राक्षसी समझ रहे हो और वो आपको डराने के लिए आई थी. बहुत कहने सुनने के बाद जब उसने सारी बात सुनी शेर ने, तो उसने बोला कि ठीक है, किसान के खेत में जाने के लिए वो तैयार हुआ. उसने कहा, ठीक है हम कल चलेंगे और आप वहीं पे चल के देख लेना. लेकिन उसने भेड़िया से कहा, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लेना. अब जब वो दोनों पूंछ बांध कर चलते हैं तो किसान के तो होश आवाज गुम हो जाते हैं, किसान तो डर जाता है. लेकिन जो बित्तो होती है वो बिल्कुल नहीं घबराती. वो भेड़िए के पास जाकर कहती है, क्यों रे भेड़िए,
तू तो अभी वादा करके गया था कि मैं 4 शेर लाऊंगा, पर ये तो एक ही शेर है। अब शेर एकदम से घबरा जाता है, वो भेड़िए को देखने लगता है। फिर क्या होता है, फिर वो इधर उधर भागने लगते हैं। वह भी मरियल सा लाया है, अब वो बोलती है वो भी मरियल सा लाया है शेर जो तू एक लाया है, भला इसे खाकर मेरी भूख कैसे मिट सकती है। इस वक्त बित्तो आगे बढ़ी, शेर के तो होश हवास उड़ गए। उसने समझा कि भेड़िए ने उसके साथ धोखा किया है। तब फौरन वो जो शेर होता है वो वहाँ से भाग जाता है, और भेड़िया बहुत चीखा चिल्लाया लेकिन शेर ने उसकी एक भी ना सुनी, तेज़ी से भागता चला गया। किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। उन्हें मालूम था कि अब शेर उनके खेत में कभी भी नहीं आएगा, क्योंकि पहले ही वो डर गया था। और उसके बाद जब वो भेड़िए के साथ जाता है, वो उसको ये लगता है उसके साथ विश्वासघात हुआ है, भेड़िए ने भी विश्वासघात किया है, तो वो भागता चला जाता है, वो किसी की भी बात नहीं सुनता। तो ये हमने चैप्टर पढ़ा था। अब हम इसमें आज एक्सरसाइज करेंगे बुक की। बच्चों, आई होप आपने जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए थे, कठिन शब्द और शब्दार्थ दिए थे, वो आपने कंप्लीट करे होंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ कहानी में ढूंढो, शेर किसान से क्या लेने गया था। शेर किसान से क्या लेने गया था। तो बच्चों, इसका आंसर आई होप आपको पता है। शेर किसान से क्या लेने जाता है? शेर किसान से बैल लेने जाता है। क्या लेने जाता है? बैल। नेक्स्ट, शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझा? क्यों समझा था उसने राक्षसी? क्योंकि वो पगड़ बांध के आती है घोड़े पे सवार होके, और उसके हाथ में एक खुरपी सी होती है जिससे वो डर जाता है। बैल की जान कैसे बच गई? जो बैल की जान कैसे बची थी, किसान ने क्या बोला था कि मैं अपने घर जाकर एक गाय लेकर आता हूँ और आप उसे खा लेना, बैल से तो हमारा रोज का गुजारा होता है। नाउ नेक्स्ट, ये 3 प्रश्न आप अपनी नोटबुक में करेंगे, डू इन योर नोटबुक। ओके चिल्ड्रन, पहले का आपको आंसर लिखना है। शेर किसान से क्या लेने गया था? शेर किसान से बैल लेने गया था। शेर किसान से बैल लेने गया था। शेर ने बित्तो को राक्षसी क्यों समझ लिया? शेर ने बित्तो को राक्षसी इसलिए समझ लिया क्योंकि वो घोड़े पे सवार होकर, पगड़ बांधकर और हाथ में खुरपी लेकर आई थी। शेर ने बित्तो को राक्षसी इसलिए समझ लिया क्योंकि वो घोड़े पे सवार होकर, पगड़ बांधकर और हाथ में खुरपी लेकर आई थी। बैल की जान कैसे बच गई? बैल की जान गाय देने के बदले बच गई। बैल की जान गाय देने के बदले बच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे कुछ शब्दों के नीचे रेखा खींची हुई है, उन्हें ध्यान से रखते हुए नीचे लिखे वाक्यों को अपने शब्दों में लिखें। बित्तो घोड़े पर सवार हो गई। सवार हो गई मतलब बित्तो घोड़े पर सवार हो गई, वो एकदम से घोड़े पे सवार होके शेर के पास जाती है। तुम घर की गाय को शेर के हवाले कर रहे थे, हवाले कर रहे थे, जो घर की गाय थी वो शेर के हवाले कर रहे थे। कौन? किसान। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। आज एक राक्षसी से पाला पड़ गया। अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं। ये कौन कहता है? भेड़िया कहता है। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए। शेर को देखते ही किसान के होश हवास गुम हो गए।
अब नीचे क्या लिखा है, बेचारा भेड़िया, शेर तो डर कर भाग गया, सोचो तो भेड़िए का क्या हुआ होगा। शेर तो डर कर भाग गया और फिर भेड़िए का क्या हुआ होगा, उसको भी किसने, बित्तो ने इसी तरीके से डराया था कि जैसे शेर भाग गया है कि भेड़िया भी कभी ना आए। शेर किसान के पास कितनी बार गया था, कहानी में शेर किसान के पास कितनी बार गया था, शेर किसान के पास एक बार गया था क्योंकि दूसरी बार किसान आया था और तीसरी बार बित्तो गई थी, तो शेर किसान के पास एक बार गया था, शेर किसान के पास एक बार गया था, यह आपको बुक में ही करना है। दीज टू क्वेश्चंस यू हैव टू डू इन योर बुक ओनली, और ये आपको नोटबुक में लिखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेज, खाली जगह में क्या आएगा, मेरी छत पर मोर आया, मेरी छत पर मोरनी आई। आपको इसमें जो नीचे लिखे गए शब्द हैं उसके क्या करने हैं, हमें अपने रूप बदलने हैं, हमें उसके रूप बदलने हैं। जैसे मोर का मोरनी करा इन्होंने, तो आप औरत का क्या लिखेंगे, आदमी, आप औरत का क्या लिखेंगे, आदमी। ओके, नेक्स्ट, शेर का शेरनी, शेर का शेरनी, बच्चा बच्चे, बच्चा बच्चे, घोड़ा घोड़े, घोड़ा घोड़े, औरत आदमी, शेर शेरनी, बच्चा बच्चे, घोड़ा घोड़े, मछुआरा मछुआरे, मछुआरा मछुआरे, राजा रानी, राजा रानी। ओके चिल्ड्रन, ये भी आपको बुक में ही करना है, ये वाला क्वेश्चन भी आपको किस में करना है, अपनी बुक में ही करना है। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, शेर ने बित्तो को राक्षसी समझ लिया, वह खेत में नहीं जाना चाहता था पर भेड़िया के समझाने पर वह राजी हो गया। सोचो शेर और भेड़िए के बीच क्या बातचीत हुई होगी। शेर भेड़िए, तुम क्यों हंस रहे हो, वो क्या बोलता है, शेर पूछता है भेड़िए से तुम क्यों हंस रहे हो, भेड़िया क्या कहता है, महाराज वह तो, फिर वो क्या बोलता है, आपको ही लिखना है। भेड़िया पूछता है आप शेर ने बोला भेड़िए तुम हंस क्यों रहे हो, भेड़िए ने बोला महाराज वह तो, कौन था वो, वह तो बित्तो थी, वह तो बित्तो थी। वो बोलता है कि मैं झाड़ियों के पीछे छिपकर सारा तमाशा देख रहा था और जिसे आपने राक्षसी समझा वह कौन थी, वह किसान में, किसान जो खेत में काम करता है उसकी बीवी बित्तो थी। फिर क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे आप महाराज वह तो बित्तो थी, महाराज वह तो बित्तो थी। फिर शेर ने कहा नहीं नहीं वह सचमुच राक्षसी थी, भेड़िए ने कहा मैंने अपनी आँखों से देखा है महाराज वह कौन थी, वह बित्तो थी। फिर क्या होता है, वह बित्तो थी, किसान की बीवी बित्तो थी। फिर क्या बोलता है शेर, फिर आपको यहीं पे लिखना है, पहले आप लिखोगे महाराज वह तो बित्तो थी,
इसमें लिखोगे महाराज वह तो बित्तो थी। पेज नंबर 36 में सेकंड लास्ट पैराग्राफ की लाइन है ये, ओके। फिर उसके बाद आप लिखोगे, यहाँ पे रिपीट करोगे उसको कि मैंने अपनी आँखों से देखा है वह किसान की बीवी बित्तो थी। फिर शेर क्या बोलता है, शेर बोलता है कि वो एक राक्षसी थी। फिर वो बोलता है कि इस बार आप कोशिश करके देखिए, कौन बोलता है, भेड़िया बोलता है, अगर बैल आपके हाथ ना आए तो मेरा नाम भेड़िया नहीं, भेड़िए ये बोलता है शेर को इधर, कि अगर बैल आपके हाथ ना आए तो आप मेरा नाम बदल दीजिए। फिर शेर क्या बोलता है, ठीक है मैं तैयार हूँ खेत में जाने के लिए, तुम अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध लो और फिर हम किसान के जो खेत हैं उसमें चलेंगे। फिर नेक्स्ट, पहले में हमने कौन सा लिखा जो हमारी कहानी में है, और दूसरे में हम कौन सा लिखेंगे जो हमें अपने मन से लिखना है। जैसे इसमें लिखेंगे पहले हम, पहला लिखेंगे तेजी से, दूसरा लिखेंगे इधर रोज, तीसरा लिखेंगे चीज, तेजी से रोज चीज। अब हम लोग फोर्थ लिखेंगे इधर जोर से, फिफ्थ लिखेंगे इधर ताज़ा। अब हम लिखेंगे, हमें अपने मन से लिखना है, अब हम इसमें लिखेंगे, पहला शब्द हम लिखेंगे इसमें, पहला शब्द कागज़, दूसरा जज्बा, दूसरा हो गया हमारा जज्बा, तीसरा ताजगी, पहला कागज़, दूसरा जज्बा, तीसरा ताजगी। अंडरस्टूड? नाउ फोर्थ लिखेंगे जल्लाद, इधर, और फिफ्थ लिखेंगे जिंदगी। पहला कौन सा लिखा हमने, कागज़, दूसरा लिखा जज्बा, तीसरा लिखा ताजगी, फोर्थ लिखा जल्लाद, फिफ्थ लिखा जिंदगी। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तुम शेर की जगह होते तो क्या करते। इसमें बैल को खा, अगर हम शेर की जगह होते तो क्या करते, उससे पूछते ना कि बैल दे दो। तो पहले में आप लिखेंगे, इसमें आप लिखेंगे इस वाले क्वेश्चन में, बैल को खा जाती, खा जाती,
पहले में लिखेंगे बैल को खा जाती, बुक में ही लिखेंगे इधर। नेक्स्ट, अगर तुम बित्तों की जगह होते तो शेर से कैसे निपटती, अगर तुम बित्तों की जगह होती तो शेर से कैसे निपटती, बंदूक से शेर को मार गिराती। यहाँ पे लिखेंगे बंदूक से, यही लिखेंगे नीचे, शेर को, मेरा यहाँ नहीं रहा, मैं इधर लिख रही हूँ, मार गिराती। बंदूक से शेर को मार गिराती, तासे तरबूज और बड़ी की मात्रा। अंडरस्टूड? नाउ नाउ कम टू हेयर वाक्य प्रयोग। आपको अपनी नोटबुक में जो मैंने बुक का पहले वाला 3 क्वेश्चन बताए हैं आपको वो करने हैं। उसके बाद आपको जो पेज नंबर 38 पे है, पहले 3 क्वेश्चन आपको वो करने हैं नोटबुक में। शब्दार्थ करे होंगे आपने, कठिन शब्द करे होंगे। अब फोर्थ है आपका वाक्य प्रयोग, वाक्य प्रयोग कीजिए। पहला है आराम, किसान और बित्तो आराम से रहने लगे, किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। दूसरा है होश हवास, होश हवास बित्तो की बात सुनकर शेर के होश हवास उड़ गए, उड़ गए के नीचे रा के नीचे बिंदी है। आराम, किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। दूसरा है आपका होश आवाज, बित्तो की बात सुनकर शेर के होश आवाज उड़ गए। तीसरा है आपका पगड़, तीसरा है आपका पगड़, बित्तो ने सिर पर एक बहुत बड़ा पगड़ बांधा, बित्तो ने सिर पर एक बहुत बड़ा पगड़ बांधा। ओके चिल्ड्रन, ये आपको 3 वाक्य प्रयोग करने हैं। आराम, किसान और बित्तो आराम से रहने लगे। दूसरा होश आवाज, बित्तो की बात सुनकर शेर के होश आवाज उड़ गए, यहाँ पे आएगी बिंदी। तीसरा पगड़, बित्तो ने सिर पर एक बहुत बड़ा पगड़ बांधा, बित्तो ने सिर पर एक बहुत बड़ा पगड़ बांधा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड दिस यू विल डू इन योर नोटबुक। ओके चिल्ड्रन, सो थैंक यू चिल्ड्रन, आई होप यू क्लियर विद योर वर्क एंड यू डू कंप्लीट योर वर्क in your notebook. Understood? Till then you do this work, 3 questions what I told you, rest of the work you will do in the book, and 3 vakya prayog you will do in your notebook. Understood? I hope this is clear to you. So thank you children and bye.